अच्छा चलिए अब रुख करते हैं न्यूज प्लस खबरों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा संभव है, शपथ के बाद वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, महागंगा आरती में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, काशीवासियों को धन्यवाद देंगे पीएम मोदी। तीसरी बार वाराणसी से निर्वाचित हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। और इसी बीच अब वाराणसी जाने की बात सामने आ रही है, शपथ के बाद वाराणसी जा सकते हैं, ये संभव है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, माँ गंगा आरती में भी शामिल होंगे पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, काशीवासियों को धन्यवाद देंगे पीएम मोदी। तीसरी बार वाराणसी से निर्वाचित हो चुके हैं नरेंद्र मोदी और करीब 1.5 लाख से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल करी। एंड ऑफ एन एरा, ईटीवी और फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया। 87 साल की उम्र में आज सुबह उनका निधन हुआ है। हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। रामोजी राव थे वन मैन आर्मी। जगन की रवानगी और चंद्रबाबू नायडू की वापसी में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। चंद्रबाबू को प्यार से वे कहते थे बाबू। हम नायडू की वापसी से खुश थे रामोजी राव, लेकिन नायडू का शपथ ग्रहण समारोह नहीं देख सके। रामोजी राव 12 जून को हैदराबाद में शपथ ग्रहण समारोह में प्रस्तावित है, जो कि लेकिन रामोजी राव के निधन की खबर से पूरे आंध्र प्रदेश में शोक की लहर है, क्योंकि जिस तरह से उनका रोल रहा है, खासतौर पर मीडिया इंडस्ट्री या फिर फिल्म सिटी के संस्थापक के तौर पर भी उनको जाना जाता था, एंड ऑफ एन एरा कहा जा रहा है। उनके निधन से शोक की लहर है और खासतौर पर ये जो खुशनुमा पल थे अब उसे देखने के लिए हमारे बीच नहीं रहे। 87 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, बीमार बताए जा रहे थे। रामोजी राव वन मैन आर्मी भी थे। जगन की रवानगी और चंद्रबाबू नायडू की वापसी में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा। चंद्रबाबू को प्यार से बाबू कहते थे। हम नायडू की वापसी से खुश थे रामोजी राव, लेकिन नायडू का शपथ ग्रहण समारोह नहीं देख सके। रामोजी राव 12 जून को हैदराबाद में शपथ ग्रहण समारोह उनका प्रस्तावित है, लेकिन रामोजी राव के निधन की खबर से पूरे आंध्र प्रदेश में शोक की लहर छा गई। और भारत के सोने के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हाल के समय में सोने की खरीद भी बढ़ गई है। इसकी मुख्य वजह मई माह में भारी मात्रा में सोने की खरीद की गई। मई में दुनिया में सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर भारत उभरा है। बीते महीने भारत ने 722 करोड़ रुपए के सोने की खरीदारी की। भारत से ज्यादा स्विट्जरलैंड और चीन ने सोना खरीदा। स्विट्जरलैंड ने 2461 करोड़ रुपए और चीन ने 2109 करोड़ का सोना खरीदा। 5 साल में भारत के सोने के भंडार में शानदार 33% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में ये एक भारत के लिए राहत की बात भी, क्योंकि सोने की खरीद मई माह में भारी की गई है। भारत के सोने के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हाल के समय में सोने की खरीद भी बढ़ी है और इसकी मुख्य वजह मई माह में भारी मात्रा में सोने की खरीदना है। मई में दुनिया में सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर भारत उभरा है। बीते महीने भारत ने 722 करोड़ रुपए के सोने की खरीदारी की और भारत से ज्यादा स्विट्जरलैंड और चीन ने सोना खरीदा। स्विट्जरलैंड ने 2461 करोड़ रुपए और चीन ने 2109 करोड़ का सोना खरीदा। 5 साल में भारत के सोने के भंडार में शानदार बढ़ोतरी हुई, शानदार 33% की बढ़ोतरी भारत के भंडार। मुख्यमंत्री मंजुनाथ शर्मा का किसान को संबल, जनता से किए अब वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं सीएम। मुख्यमंत्री मंजुनाथ शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। किसान संबल निधि 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए की गई। पहले किसान संबल निधि के रूप में 6000 रुपए मिलते थे और जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और इसी वजह से एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं, राहत की खबर सामने आ रही है। अब चुनावी नतीजों के बाद सीधा फोकस है मुख्यमंत्री का कि किस तरह से जनता को फायदा पहुंचाया जाए। अब किसान को संबल मिला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद। जनता से किए वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है, किसान संबल निधि 2000 रुपए बढ़ाकर 8000 रुपए की गई है। पहले 6000 रुपए मिलते थे किसान संबल निधि के तौर पर और जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी शाम 5:30 बजे। संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होंगे।
बैठक में लोकसभा के कांग्रेस संसदीय दल के नेता के चुनाव पर भी विचार विमर्श होगा। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग भी सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी ये मांग। और निगाहें हैं, देखिएगा, अब राहुल गांधी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है, शाम 5:30 बजे बैठक है, संसदीय दल की बैठक बुलाई है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे बैठक में। बैठक में लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के चुनाव पर भी विचार विमर्श होगा। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग होगी, सोनिया गांधी के सामने ये मांग रखी जाएगी। और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की करतूत आपको बताते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने व्यक्त की है चिंता। उन्होंने कहा है कि हिंदू कनाडाई लोगों में हिंसा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी जून में खालिस्तान समर्थकों ने की थी ऐसी हिमाकत। मार्च में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। और देखिएगा, ये जानकारी आपको दे रहे हैं, खालिस्तान समर्थकों की करतूत दिखाई दी है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की करतूत इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकाली गई है। कहीं ना कहीं अब इसको देखते हुए सामने विरोध की बातें भी आ रही हैं, क्योंकि शर्मनाक है ये इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी निकालना। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की ये करतूत सामने आई है। कहा है कि हिंदू कनाडाई लोगों में हिंसा का डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले साल भी जून में खालिस्तान समर्थकों ने ऐसी हिमाकत की। मार्च में खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। और एक बार फिर कुछ वैसी ही तस्वीरें। डेनमार्क की प्रधानमंत्री पर हमला। प्रधानमंत्री मेटे फेडरिकसन पर शख्स ने हमला किया। चुनाव प्रचार के दौरान शख्स ने धक्का मारकर उनको गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी किया। यूरोप में लगातार हो रहे नेताओं पर हमले 3 सप्ताह पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मारी थी। और लगातार होने वाले हमलों से चिंता बढ़ी है कि आखिरकार कैसे लगाम लगाया जाए, क्योंकि डेनमार्क की प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री मेटे फेडरिकसन पर शख्स ने हमला किया है। चुनाव प्रचार के दौरान शख्स ने उनको धक्का मारकर गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन यूरोप में लगातार हो रहे नेताओं पर हमले। 3 सप्ताह पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मार दी। और कौन बनेगा ओडिशा का मुख्यमंत्री? ओडिशा में पहली बार भाजपा ने अकेले सरकार बनाई है। बीजेपी ने 147 में से 78 जीतकर सबसे बड़ी पार्टी वहां पर बन गई है। अब मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर कयास जारी है। भुवनेश्वर के गलियारों में गिरीश मुर्मू के नाम की चर्चा है। वह धर्मेंद्र प्रधान के साथ सुरेश पुजारी, बैजयंत पांडा भी रेस में शुमार। सूत्रों के मुताबिक संसदीय बोर्ड आज कोई निर्णय ले सकता है। बीजेडी की हार के बाद नवीन पटनायक के नेता विपक्ष बनने की भी चर्चा तेज हो गई है। लेकिन एक तरफ विपक्ष का नेता कौन होगा ये चर्चा है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल ओडिशा में बना हुआ है। पहली बार भाजपा ने यहां पर अकेले अपने दम पर सरकार बनाई है। 147 में से 78 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बहुमत तो हासिल कर ही लिया है, अब मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर कयास जारी है। भुवनेश्वर के गलियारों में गिरीश मुर्मू के नाम की चर्चा, वहीं धर्मेंद्र प्रधान के साथ सुरेश पुजारी, बैजयंत पांडा भी रेश में शुमार हैं। सूत्रों के मुताबिक संसदीय बोर्ड आज अपना निर्णय ले सकता है। बीजेडी की हार के बाद नवीन पटनायक के नेता विपक्ष बनने की भी चर्चा जोरों पर है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर हुआ। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पटखनी दी। न्यूजीलैंड पर 84 रन से बड़ी जीत दर्ज की अफगानिस्तान ने दिया था 159 रन का लक्ष्य। लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 75 रन पर न्यूजीलैंड की टीम पारी हुई। राशिद खान और फारूकी ने 4-4 और नबी ने 2 विकेट झटके। आज दूसरे मैच में बांग्लादेश ने रोचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। और T20 वर्ल्ड कप का घमासान मचा है, क्योंकि न्यूजीलैंड पर 84 रन से बड़ी जीत दर्ज की है अफगानिस्तान ने। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर इसे माना जा रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान ने पटखनी दे दी है। 84 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। अफगानिस्तान ने दिया था 159 रन का लक्ष्य। लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 75 रन पर ढेर हो गई न्यूजीलैंड की पारी। राशिद खान और फारूकी ने 4-4, नबी ने 2 विकेट झटके। आज दूसरे मैच में बांग्लादेश ने
रोचक मुकाबले में श्रीलंका को 2 विकेट से हराया। और राजधानी समेत प्रदेश के तमाम जिलों में तेज आंधी चली है। आसमान में धूल के गुब्बार छाने और तेज हवाओं से राहगीर परेशान। बीकानेर चूरू में हवा की रफ्तार 70 तो जयपुर में 48 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुई। आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी बारिश चलने का अलर्ट जारी किया है। 9, 10 और 11 जून को भी कुछ जिलों में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। आज जयपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, फलौदी और अजमेर के कुछ हिस्सों में बारिश से बादल छाए। इन जिलों में चल रही है तेज हवा, धूल भरी आंधी और बारिश के भी आसार बने हुए हैं। मौसम का मिजाज राजस्थान में बदला है। अब गर्मी से आंशिक निजात मिली है राजस्थान वासियों को, क्योंकि तमाम जिलों में तेज आंधी और आसमान में धूल के गुब्बार छाने और तेज हवाओं से राहगीर परेशान हुए। बीकानेर चूरू में हवा की रफ्तार 70 तो जयपुर में 48 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुई। आज प्रदेश के 12 जिलों में आंधी बारिश चलने का अलर्ट जारी है। 9, 10 और 11 जून को भी कुछ जिलों में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। आज जयपुर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, फलौदी और अजमेर के कुछ हिस्सों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और इन जिलों में चल रही तेज हवा, धूल भरी आंधी चलने और बारिश के भी आसार बने।